क्वेश्चन नंबर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस। इक्वेशन दे रखी है 1 - iota के होल की पावर x और इज इक्वल टू 2 की पावर x। क्या दे रखी है? मैं वीडियो भेजता हूँ बेटा कार्तिक, बस 3 क्वेश्चन और रह रहे हैं, इन्हें भी देख लीजिए एक बार। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 - iota के होल की पावर x। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है? 1 - iota के होल की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x। डन। तो मॉडुलस करेंगे अगर हम, तो 1 का स्क्वायर + -1 का स्क्वायर होल की पावर x रहेगा। बोलो हाँ। फिर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसे मैं लिख सकता हूँ 1 + 1 के होल की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x। रूट 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x हो जाएगा। बोलो हाँ। फिर से 2 की पावर half लिखा जा सकता है, रूट का मतलब हाफ होता है, तो जो पावर की पावर हो तो पावर की इंटू जाती है, तो x/2 रहेगा। क्लियर है? और जब बेस सेम हो तो पावर इक्वल हो जाती है। क्लियर? तो जिससे क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो 2x - x इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। x काटा मत, राइट हैंड साइड ले गया, तो x की वैल्यू क्या आई है? इन शॉर्ट 0। आया समझ? बोलो हाँ। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 छोटा भी था, इजी भी था। पहले मॉडुलस करने के लिए बोला था उसने, तो मैंने मॉडुलस करा। मॉडुलस से मतलब क्या था? 1 का स्क्वायर + -1 का स्क्वायर होल की पावर x चलता रहा, है ना। फिर इसके बाद आपको दिख रहा होगा √1 + 1 कितना हो गया? 2 को लिखा हाफ, हाफ की पावर x हो गया x/2। बेस सेम थे तो पावर इक्वल हो गई, मतलब x/2 x के इक्वल हो गया। ठीक है? फिर 2x को इनटू में ले गया, 2x - x = 0 हो गया। क्लियर है? बोलो हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। 19th में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, सभी को बुक खोल रखी है सभी ने। 19th क्वेश्चन बोला गया है a + iota b, c + iota d, e + iota f। a + iota b, c + iota d, e + iota f, g + iota h इज इक्वल टू किसके बराबर है? कैपिटल a + iota b के, है ना। बोलो हाँ। यस सर। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन में मैंने मॉडुलस और बोथ साइड करा, मॉडुलस ऑन बोथ साइड करने से क्या हुआ, a + iota b ब्रैकेट में c + iota d, थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं, डन, e + iota f और g + iota h मॉडुलस में, और मॉडुलस में ही a + iota b, डन। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं मॉडुलस अलग अलग लगा सकता हूँ। a + iota b का मॉडुलस अलग, c + iota d का मॉडुलस अलग, e + iota f का मॉडुलस अलग, g + iota h का मॉडुलस अलग, और a + iota b का मॉडुलस अलग, डन। तो मॉडुलस का मतलब क्या होता है? अगर मैं राइट हैंड साइड का मॉडुलस बोलूँ तो तब बोलते √a² + b² ऐसे ही। अब 4 बार मॉडुलस और करना है, √a² + b² √c² + d² √e² + f² और रूट में g² + h² होगा। बोलो हाँ। और जैसे ही मैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दूंगा, तो आप सभी देख पा रहे होंगे a² + b² 1, c² + d² 1, e² + f² 1, g² + h² 1 और a² + b² 1। आया समझ? बोलो हाँ। किसी को दिक्कत तो नहीं है? क्या करा है मैंने? फिर लास्ट क्वेश्चन और बचता है, उसी को कंप्लीट कर लेते हैं। मेरी तरफ से ये चैप्टर एंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, अगर इन केस किसी को कोई भी डाउट हो तो मेरे को बता देना भी, है ना। ये चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट तरीके से कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में बात आती है 1 + iota / 1 - iota के होल की पावर m है। 1 + iota / 1 - iota
के होल की पावर m इज इक्वल टू 1 है, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्या होगा इसमें ध्यान से देखना, रेशनलाइज करूँगा, क्या करूँगा, रेशनलाइज करूँगा 1 प्लस आयोटा 1, रेशनलाइज से मतलब क्या है, जो 1 माइनस आयोटा था उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे इनटू, बोलो हाँ, yes, sir. बोलो हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? No, sir. अब मैंने क्या करा, न्यूमरेटर में जब देखा तो 1 प्लस आयोटा का तो होल स्क्वायर हो गया और नीचे 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया, पावर m चल रहा है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 1 प्लस 1 इज होल की पावर m इज इक्वल टू 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा जी, माइनस 1, माइनस 1, माइनस 1, ये 2 हो गया, 1 से 1 कट गया, 2 आयोटा अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, पावर में m 1, तो आयोटा की पावर m आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब m जो है 1 किसकी, आप 1 ऐसी कौन सी सबसे मिनिमम वैल्यू बोलोगे राइट हैंड साइड पे आयोटा की, कि 1 हो जाए? 1। अच्छा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m बताना है, तो जिसकी वजह से आप m की जगह पे ऐसा क्या होना चाहिए आयोटा की पावर कि मैं कंपेयर करके m की वैल्यू बोल पाऊं, मिनी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? मल्टीपल्स में, तो आंसर क्या रहेगा इसका, 1 ना होकर के m की वैल्यू क्या रहेगी, कंपेयर करने के बाद क्या हो जाएगी बेटा, 4। तो ये तो मिट भी नहीं रहा, 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है, आगे समझ, बोलो हाँ, यस सर, यस सर, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, अब किसी को कुछ पूछना है? सर आपने जो क्वेश्चंस भेजे थे ना उसमें से सेकंड क्वेश्चन हुए नहीं था, बोलूँ आप? बोले अभी एक साथ ही लिखना शुरू कर दिया इसने। हाँ जी दीदी, क्या कह रहे हो आप? सर आपने जो क्वेश्चंस भेजे थे वो हुए नहीं थे, सेकंड क्वेश्चन उसका। मैंने कौन से क्वेश्चंस भेजे थे, मुझे तो याद भी नहीं है सर, मैं क्वेश्चनों में मॉड्यूलस और आर्गुमेंट निकालना था आपको। क्वेश्चन बताएगा कोई मुझे? यस सर जी। सर मेरा क्वेश्चन था 1 प्लस 10 अल्फा, क्या करना है इसमें? सर इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कन्वर्ट देम इनटू पोलर फॉर्म, और ये दे रखा था, 3 पार्ट दे रखे हैं इसको। आप मुझे ग्रुप पे पिक क्लिक करके सेंड कर सकते हो जस्ट अभी? यस सर। ये रहा क्वेश्चन, मिल गया, चलो मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। तो आयोटा के साथ है क्वेश्चन, मैं देख जो पा रहा हूँ, मुझे क्वेश्चन दिख रहा है z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 10 अल्फा है, और इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा में, राइट? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर क्या आएगा, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, x की वैल्यू क्या हो गई बेटा 1, y की वैल्यू क्या आ गई 10 अल्फा, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या कर रहा हूँ? नो सर। मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा sec स्क्वायर अल्फा, sec स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा sec अल्फा, बोलो हाँ, जिसे हम r बोलते हैं, तो r की वैल्यू क्या आई है sec अल्फा। फिर बात आती है आर्गुमेंट की, थीटा की, थीटा का फॉर्मूला बताया गया था tan इनवर्स y अपॉन x, मॉडुलस में tan इनवर्स y की वैल्यू आई है 10 अल्फा, x की वैल्यू आई है 1, तो 10 अल्फा तो 10 अल्फा ही रहेगा, बोलो हाँ, और tan इनवर्स से 10 गायब हो जाता है तो बचा क्या अल्फा, तो थीटा क्या गया अल्फा, डन। अब फॉर्मूला क्या होता है पोलर फॉर्म का, z इज इक्वल टू r cos थीटा iota sin थीटा r sin थीटा, अब z r की जगह तो आ गया sec अल्फा, ये हो गया cos अल्फा, ये हो गया थीटा की जगह अल्फा रख दिया, sec अल्फा को 1 अपॉन cos अल्फा लिख सकता हूँ, बोलो हाँ,
तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे cos अल्फा से जब मैं इनटू करूंगा तो ये ऑलरेडी क्या थी, एक पोलर फॉर्म थी. डन, क्लियर है? बोलो हाँ. यस सर. तो आप इसे चाहो तो ऐसे छोड़ सकते हो, इस तरीके से जो यहाँ दिख रहा है ये रहा, इसे यहीं छोड़ देना. अब आंसर में क्या दे रखा है ये देखना पड़ेगा. बस इसने एक्सप्रेस करने के लिए बोला है. ठीक है. हेलो. यस सर. तो एक्सप्रेस करने का मतलब है जो मैंने अभी मार्क करा है ना ऊपर, उसी में छोड़ देना ये रहा. ठीक है, इतना ही समझ आ गया. पर सो यस सर. क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है वो कर दो. थर्ड पार्ट और कर दूं? वो तो दे रखा है 1 माइनस साइन अल्फा प्लस आयोटा कॉस अल्फा, यही. यस यस. चलिए, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले x की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस साइन अल्फा. और y की वैल्यू क्या आएगी, कॉस अल्फा. बेटा फिर से हैंग करना शुरू कर रहा है सिस्टम, एक बार ट्राई करके मुझे भेजोगे? ओके सर, जो मैंने करा था ना मेरे को उसी की पिक भेज दे रहा हूं. हां उसकी पिक भेज दो, मैं उसी में सेंड करके बता देता हूं. और किसी को कुछ कहना है? ओके सर. एक्चुअली ये हैंग हो गया फिर से सेम. हेलो. यस सर. हाँ चलिए, मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. प्लीज सभी अपनी बात, मेरी बातों को ध्यान रखना. मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट होगा. चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूंगा क्या बातें मैं बताने वाला हूँ. ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का सारा कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ आ गया होगा. जिसकी जो जो बातें हों मुझे प्लीज